मंगलवार को सुबह तेज बारिश के कारण ताजमहल के पश्चिम गेट पर लगे यूपीएस सिस्टम में पानी चला गया और ऑफलाइन टिकटों का प्रवेश रुक गया। वहीं मौका पाकर इंजीनियर ने आकर फॉल्ट ठीक किया, तब जाकर पर्यटकों को प्रवेश मिल सका। इस दौरान उमस के बीच पर्यटक भी काफी परेशान हुए। आपको बता दें कि ताजमहल के दोनों गेटों पर टर्न स्लाइड गेट लगे हुए हैं, जिसके जरिए ऑफलाइन टिकट के साथ पर्यटकों को एंट्री मिलती है। ऑनलाइन टिकट स्कैनिंग के लिए भी मशीन लगी हुई है। सोमवार सुबह 9 बजे के करीब ताजमहल के पश्चिम गेट पर लगे यूपीएस में पानी चला गया और उसने काम करना बंद कर दिया। करीब आधा घंटा तक ऑफलाइन टिकट धारकों को प्रवेश नहीं मिल सका। इस दौरान ऑनलाइन टिकट लेने वाले पर्यटकों की एंट्री जारी रही। तो वहीं सोमवार सुबह 6 बजे तेज बारिश शुरू हुई। करीब 1.5 घंटे से अधिक समय तक रुक रुक कर बारिश होती रही। इसके बाद तत्काल धूप निकल आई और जबरदस्त उमस हो गई। उमस के बीच ताजमहल में एंट्री ना मिलने से पर्यटक भी काफी परेशान हुए और तमाम पर्यटक 1 किलोमीटर का फासला तय करके पूर्वी गेट पर पहुंचे, वहां जाकर प्रवेश लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।